हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही आसान है बनाने में। इस डिजाइन का आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 4 रोज का डिजाइन है, आपको ही 4 रो रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 10+1 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 10+1 रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड पर आपको सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है पूरी रो। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 2 × 10+1 एज स्टिच करके टोटल 21 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, अब 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, फिर से धागा आगे करना है, अब 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे करना है। लास्ट में आपको एक फंदा ऐसे पॉल वाइज आपको ऐसे स्लिप करके छोड़ना है, धागा पीछे करके। अब ये रिपीट करना है आपको, ये स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 2 4 5, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर लास्ट में आपको धागा पीछे करके 1 फंदा स्लिप करना है। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे, अब 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे। लास्ट में आपको स्लिप करने की जगह आपको लास्ट का एक फंदा में आपको लास्ट में एक फंदा सीधा बुनना है स्लिप करने की जगह। यहाँ तक स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 बार रिपीट किया है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है, अब थर्ड रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है एज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, अब धागा पीछे करना है। अभी 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे से, अब पीछे से एक बार एन ओवर, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से एन ओवर। अब यहाँ पर आपको ये 2 फंदों को स्लिप करना है नीट वाइज, इसे 1 2, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से। अब धागा आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे, अब 1 फंदा इस फंदा को धागा पीछे कर पॉल वाइज इसको स्लिप करना है। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 2 फंदा उल्टा, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे से एन ओवर, 1 फंदा सीधा एन ओवर, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा स्लिप करना है। अब ये रिपीट करना है, फिर से एक बार रिपीट, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है आगे से, अब एन ओवर, 1 फंदा सीधा एन ओवर,
अब दो फंदा का स्लिप करना है, फिर इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, ऐसे फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा एक दो, फिर धागा पीछे। अब एक फंदा स्लिप करने की जगह आपको इसको सीधा बुनना है। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो, फोर रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो कंप्लीट कर लिया है, देखिए फोर रो में आपको इस तरीके से आएगा। आपको वन से फोर रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।